हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपनी तस्वीर को कैसे हैंडसम लुक दे सकते हैं और कैसे इसको बहुत ही स्मूथ और वेल लुक्ड बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त का ज़ाया करते हुए। तो सबसे पहले तो आपने वो पिक चूज़ कर लेनी है। ये मैंने आम सी पिक चूज़ की है। ये देखें, इस पिक के अंदर आपको दाग नज़र आ रहे होंगे। देखें, ये दाग नज़र आ रहे हैं। तो ये दाग अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जैसा कि मैंने फ्रंट पेज पे अपने लगाया हुआ है। देखें आप कितना फ़र्क है। तो इसको आपने स्केच बुक यानी कि ऑटोडेस्क में ओपन कर लेना है। ये प्ले स्टोर से अवेलेबल मिल जाएगा आपको। नीचे लिंक भी दिया हुआ है, लिंक में से भी डाउनलोड कर सकते हैं जाके आप। तो सबसे पहले अपने ब्रश के ऊपर, ब्रश का जो आइकन बना है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने ये देख लें, ये वाला ब्रश मिड में आपको मिल जाएगा। मिड में ये मिड वाले, इसमें आपने साइज़ अपने मर्ज़ी का रख लेना है। 15 मिनिमम साइज़ होता है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना आपने, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर फ्लो आपने सिर्फ 5 रखना है, इससे ज़्यादा फ्लो को नहीं करना है आपको। तो फ्लो इतना ही रखना है। फिर इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है ताकि ये देखें, और इसको आपने फिंगर से सही कर लेना है। फिंगर इसके ऊपर चलानी है तो ये देखें जैसे कि हो रहा है। ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर आपने ये सारा ऐसे ही कर लेना है। थोड़ी देर बाद मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसके ऊपर। तो ये देखें कितनी कमाल की हमारी पिक बन रही है। आप ऐसे किसी भी पिक को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वीडियो का किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे ब्लर करना है या फिर कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसकी वीडियो मेरे पास, इसकी वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे चैनल में जाके भी इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है और ब्लर करने की वीडियो मैं इस आइंदा बनाऊँगा। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका भी बताऊँगा आपको। तो ये देखें, इस तरह आपने कर लेना है। अब मैं अपनी वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। तो ये हो गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये काफ़ी हैंडसम और काफ़ी वेल लुक्ड हो गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है, स्मूथ है काफ़ी। तो ऐसे ही आपने भी करना है और आपने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से करना है, आराम से सुकून से करना है। तो जैसे देखें आप, ये काफ़ी अच्छी हो गई है। तो उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 डॉट जहाँ पे बने हैं देखिए आप, ये 3 डॉट जहाँ बने हुए हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस शेयर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस कर लेना है। सेव टू डिवाइस करने के बाद आप वेट होगा थोड़ा सा, तो आपने डॉक्यूमेंट में
अपने इसको नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, पिक लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं पिक के नाम पे सेव कर लेता हूँ। जैसे ये सेव हो गई है तो इसको आप गैलरी में जा कर देख सकते हैं। गैलरी में देखें अभी आप, मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूँ। ये पिक देखें एक आप और यही पिक देखें, कितना फ़र्क है। काफ़ी दूसरी पिक तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जैसा कि आपने इसमें डिफरेंट काफ़ी देखा है, तो इसी तरह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूँगा। हम अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से अपना फ़र्ज निभाने की कोशिश करते हैं। आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो ये आगे जिस तरह ये ब्लर है, इसी तरह मैं आपको ब्लर करना सिखाऊँगा। हम अपनी फुल कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाएँ, ताकि हमारे अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, अपने ब्लास्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।